न्यूज़ लाइव मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। 21 जून आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे आज पूरी दुनिया मनाती है। भारत में योग परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी की भारतीय संस्कृति, या यूं कहें कि भारत की संस्कृति में रचा बसा है योग। मतलब भारतीय जीवन में योग की साधना हर काल में होती आई है, मगर योग को कई गुना ज्यादा ख्याति मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। 2021 का आज सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा था, तो योग एक उम्मीद की किरण बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में, भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ। पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा है कि जब भारत में यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आपको बता दें कि इस साल योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। अब पूरे विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक तकनीक और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतर उदाहरण है। कोरोना काल में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MNS न्यूज़।